हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस जो मैंने आकवास आर फाइव ख़रीदा था आज मैं उसको पूरा का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ डिटेल में इसके अंदर कितना रैम होता है कितना बाय द वे गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना स्टोरेज कितना स्नैपड्रैगन इंस्टॉल होता है ये परफॉर्मेंस में कैसा है है गेमिंग के लिए बेस्ट फोन या नहीं है सब कुछ मैं आप लोगों को आज इस मोबाइल के बारे में बता दूंगा बाकी आप देख सकते हो गाइज मोबाइल तो ऐसा तो चमक रहा है इसका कैमरा मैमरा सब कुछ आ एंड रोम तो चलो इसी मोबाइल के ऊपर जाते हैं आर फाइव के ऊपर जाते हैं पहले गाइस जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका रैम और स्टोरेज इसकी कितनी होती है तो यहाँ पर पहले मैं जाता हूँ स्टोरेज के अंदर ये इसकी स्टोरेज है टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स जी बी जो कि बहुत ज़्यादा है आपको आज के अंदर टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स जी बी आपको स्टोरेज मिल जाएगा उसके अलावा अगर रैम चेक करना है तो हमें इधर सेल्फ चेक में जाना होगा उसके बाद डायग्नोज में जाकर इधर नीचे ये मेमोरी का ऑप्शन आता है यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं नेक्स्ट करके यहाँ पर मिलेगा इसकी हमें रैम वगैरह ये इसके अंदर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी टू जी बी रैम है यानी ट्वेल्व जी बी रैम है अभी फ्री सिक्स जी बी है फाइव जी बी यूज हुई जो कैमरा ज्यादा मतलब ट्वेल्व जी बी आपके

आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर फ्री फायर ओपन कर रहा हूँ इसकी टेस्ट देखिए थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन जस्ट एलेवन सेकेंड का इतना कम गेम प्लेइंग टेस्ट डिस्प्ले में जाके अल्ट्रा सब कुछ हाई मैंने किया हुआ है चलो सही गाय जाके देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कि फोन हमारा कैसा परफॉर्म करता है ये तो वो गाय ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं पहुंच चुका हूँ जाके कोई गन वगैरह ले लेता हूँ इसकी परफॉर्मेंस अभी चेक करते हैं ये देखो भाई मोमेंट देख रहे हो ना इतना से भी ले करने का ये नाम ही रहे ऐसे में ना आप लोग देख रहे हो बिल्कुल यार फुल अल्ट्रा में वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में इतने ज़्यादा बंदे होने के बावजूद भी आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई फोन जो है ना वो लैग करने का नाम तक नहीं ले रहे हैं तो मतलब गेमिंग के लिहाज से भाई आप मैं कह रहा हूँ अफवाह से बेहतर हो ही नहीं सकते के बाद। अगर आपने लेना है तो आर फाइव पी हो इससे बढ़िया फोन है ही नहीं आप देख रहे हो यार एस पड़ रहे ना उसी के साथ भाई लैग नहीं कर रहा हैं बस यही अमेठाई और फेक आर फाइव के प्रैंक हो रहे हैं ना लोगों के साथ ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना आप लोग अकवास लेने जाओगे आपको ऐसा डुप्लीकेट अकवास दे देंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे ये क्या है भाई गेम को क्या हो रहा है आप लोग खुद हैरान हो जाओगे ये है डोकोमो का अकवास ये अकवास नहीं बकवास है दो नंबर डुप्लीकेट उसके बाद ये है शार्प अकवास जिसके नीचे लिखा हुआ है शार्प ए यू आई ये भी अकवास नहीं बकवास है दो नंबर डुप्लीकेट वाला ये भी है ये है आप लोगों का ओरिजिनल अकवास जिसके बैक में सिर्फ अकवास लिखा हुआ है जो मेरे पास है भाई ये जो है ओरिजिनल अकवास अभी मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है जिसके पीछे डोकोमो लिखा होता है गाइस वो जो है गेमिंग में परफॉर्मेंस सही नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा लैग करता है और उसके बाद ये ईट भी बोल सकते हैं यानी मतलब ये दो नंबर है इससे बच्चों आपको बाजार में ये भी देखने को मिल सकता है जिसके पीछे डोकोमो लिखा आपने वो नहीं लेना है ए यू आई शार्प वाला आर फाइव ये भी गाइज इसका टैक्स बहुत कम होता है सादा अकवा से जो ओरिजिनल अकवा है इसका टैक्स बहुत कम होता है बाकी इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं है लेकिन एक डिफरेंस है वो जो है थोड़ा सा वाटर प्रूफ है ओरिजिनल वाला और ये भी तकरीबन गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस सही नहीं देता है ये फ़ोन जो है जिसके पीछे सिर्फ अकवास लिखा हुआ है ये जो है ओरिजिनल जापान का जो आया हुआ है ना ये अकवास ओरिजिनल है मतलब ये है ही अकवास असली जो आप अकवास है वो ये वाला है तो आप लोगों क्या करना है ये खरीदना है बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि भाई अकवास तो ऐसा चार्ज करता है ऐसा चार्ज करता है मैं सही बताऊँ गायस मैंने जब ये खरीदा मैं भी यही सोच रहा था लेकिन मेरा फोन तकरीबन एक घंटे तीस मिनट में चार्ज हो जाता है पूरा वो भी हमारी बिजली डिम रहती है फिर भी ये चार्ज हो जाता है इतना जल्दी और ख़त्म ही होता है सात घंटे में गायस यकीन मानो सात घंटे पा पाँच घंटे तीस मिनट में इस्तेमाल करूँ तब ये तीस परसेंट तक पहुंचता है मैंने खुद में आप लोग इसको इसकी बैटरी हेल्थ सी अभी मुझे नहीं पता मतलब अकवास बैटरी में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है वे अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मज़ा आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ओके बाय हाफिज़